जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि हर सोसाइटी में तीन प्रकार के कूड़ेदान होते हैं। इन तीनों प्रकार के कूड़ेदान का महत्व अलग अलग होता है, जैसे हरे रंग का कूड़ादान, नीले रंग का कूड़ादान, लाल रंग का कूड़ादान। इनका संबंध स्वच्छ भारत अभियान से रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली के राजघाट में सफाई कर एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, मतलब महात्मा गांधी की जयंती पर। अब अगर हम बात करें कि तीन प्रकार के जो कूड़ेदान होते हैं, इन तीनों का महत्व क्या क्या होता है। नंबर एक, हरे रंग का कूड़ादान। हरे रंग का जो कूड़ादान होता है, ये गीले कचरे से संबंध है, मतलब कार्बनिक जो कचरा होता है वो सब हरे रंग के कूड़ेदान में डाला जाएगा, जैसे बचा हुआ खाना, बची हुई सब्जी, बचा हुआ फल और चाय आदि। जो हमारे कार्बनिक ये गीला कचरा जो होता है वो हरे रंग के कूड़ेदान में डाला जाएगा। नीले रंग के कूड़ेदान की अगर हम बात करें, इसमें सूखा कचरा डाला जाता है, अकार्बनिक कचरा, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन, कांच के बर्तन, गत्ता और रबड़ आदि। जो ये अकार्बनिक कचरा होता है, इन सबको नीले रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। अब अगर हम बात करें नंबर तीन, लाल रंग का कूड़ेदान, इसमें केमिकल कचरा डाला जाता है, जैसे उपयोग किया हुआ बैंडेड, उपयोग किया हुआ इंजेक्शन और एक्सपायर दवा आदि। जो केमिकल कचरा होता है, इन सबको लाल रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। अब अगर हम बात करें कि पहले क्या था, पहले व्यक्ति जो है किसी प्रकार के कूड़ेदान में कचरा डाल देता था, मतलब केमिकल, अकार्बनिक और कार्बनिक कचरा जो है वो मिक्सचर हो जाता था, तो जो पशु हैं वो इन्हें खा लेते थे, जिससे उन्हें बीमारी बनने की संभावना ज़्यादा होती थी और वायु प्रदूषण भी ज़्यादा होता था। अब अगर हम बात करें कि जो खाद्य पदार्थ है वो अलग हो गया, तो उसे सिर्फ अगर पशु खाएगा तो उससे बीमार पड़ने की संभावना बहुत कम होगी। तो इससे संदेश जाता है कि जो हरे रंग का कूड़ादान है उसका संबंध गीले कचरे से है, नीले रंग का जो कूड़ादान है उसका संबंध सूखे कचरे से है, और जो हमारा लाल रंग का जो कूड़ादान है उसका केमिकल कचरे से है। और ये लाल रंग का जो कूड़ादान मिलेगा आपको जो अस्पताल होते हैं, मेडिकल होते हैं, वहाँ पर ही मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।